बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आपके लिए एक और गाड़ी का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ जो कि फॉर सेल है। जैसा कि आप लोग तो जानते हैं कि मैं आपके साथ जो गाड़ियाँ फॉर सेल होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर करता हूँ, और उसके अलावा जो नई गाड़ियाँ होती हैं उनकी अपडेट्स वगैरह, प्राइस की अपडेट और कब लॉन्च होने जा रही है, और उसके अलावा जितनी भी अपडेट्स और इनकी न्यूज़ होती हैं वो आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में यूज़ गाड़ी है, फॉर सेल है, ओल्ड मॉडल है सिविक का, और ओनर इसको अर्जेंट सेल करना चाहते हैं और इसकी जो कीमत है वो भी काफ़ी मुनासिब है। तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करूँगा और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको बताऊँगा किस तरह आप इसके ऑनर के साथ रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि भाई आपने इसकी प्राइस वगैरह नहीं बताई और आपने इसके ऑनर से रब्ता करने का तरीका नहीं बताया, तो वो लोग गलती खुद करते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते। और जाहिर सी बात है, वीडियो को जब पूरा नहीं देखेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि प्राइस क्या है और ओनर से उन्होंने रब्ता कैसे करना है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें रिलेटेड टू कार। और उसके अलावा बेल के आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा। अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आपको इस गाड़ी के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। खैर, गाड़ी तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिफरेंट एंगल से मैं आपको इसकी पिक्चर वगैरह दिखा रहा हूँ। होंडा सिविक है, EXi, और 1998 का मॉडल है, 1998 का मॉडल है। और ओनर के मुताबिक गाड़ी ने 1 लाख किलोमीटर ये टोटल चली हुई है। आई डोंट थिंक सो कि ये सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। और उसके अलावा फ्यूल कंजप्शन इसकी जो है ना वो CNG पे ज़्यादातर ओनर इसको यूज़ किया है। बाकी गाड़ी लाहौर के नंबर पे रजिस्टर्ड है और ओनर इसको अर्जेंट सेल करना चाहते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, गोल्डन कलर है गाड़ी का और लाहौर के नंबर पर रजिस्टर्ड है। ओवरऑल जो गाड़ी की कंडीशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और गाड़ी जो है ना वो ऊपर से जो आउटर साइड जो है वो इसकी काफ़ी हद तक स्प्रे हुई है। और आपको बताता चलूँ कि गाड़ी को फ्रेश लुक देने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं शोवर वगैरह हुई है, इसकी वजह से आपके इसके ऊपर जो स्क्रैचेज़ वगैरह हैं या जो इसके अलावा डेंट होते हैं वो किसी किस्म के देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अलबत्त आपको माइनर टचअप्स वगैरह देखने को मिल जा सकते हैं जो आलमोस्ट हर गाड़ी में हमें देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा स्पेशली रिम एंड टायर इंस्टॉल्ड हैं जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। उसके अलावा अगर गाड़ी की डैशबोर्ड वगैरह की बात की जाए, इंटीरियर साइड से गाड़ी टोटल जेन्युइन है, किसी किस्म की कोई चीज़ डैमेज नहीं है गाड़ी में। और डैशबोर्ड जो है ना वो आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक इसका जो है वो ओरिजिनल कंडीशन में है, जेन्युइन कंडीशन में। आउटर साइड आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको जो है ना टचअप्स वगैरह, माइनर टचअप देखने को मिल सकते हैं और शोवर है, लेकिन इंटीरियर साइड जो है ना वो आप कह सकते हैं कि गाड़ी की टोटल ओरिजिनल है। और उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि गाड़ी के इंजन वाइज की बात की जाए तो काफ़ी पावरफुल इंजन है और सस्पेंशन वगैरह जो है ना वो काफ़ी परफेक्ट है। इंजन सील बाय सील पैक है, किसी किस्म की आपको लीकेज नहीं में देखने को मिलेगी। और उसके अलावा बाकी जो डिटेल है वो आप ओनर के साथ रब्ता करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जब भी आप गाड़ी लेने जाएं तो आप किसी ऐसे बंदे को साथ ले जाया करें जो ऑलरेडी गाड़ियों का काम जानता हो, ताकि आप अच्छी तरह उसको जो है ना वो चेक कर सकें, आपके साथ किसी किस्म का जो है ना वो बाद में मसला पेश ना आए। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का उन्होंने हमारे साथ कोई भी डिटेल शेयर नहीं की, वो आपने ख़ुद इंफॉर्मेशन ले लेनी है। और जनाब, डिमांड जो ओनर इस गाड़ी की कर रहे हैं वो है 6,80,000 रुपये, कमी पेशी आप करवा सकते हैं। और ओनर से जो रब्ता करने का तरीका है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है और ओनर के साथ आपने रब्ता करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।